ये क्या हरकत थी अरमान? सिगरेट्स रोहित की थी तो तुमने इल्जाम अपने सर क्यों लिया? वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका साथ दो से प्रोटेक्ट करो, लेकिन उसकी गलत बातों को एनकरेज मत करो अरमान। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? रोका तो नहीं रोका, तुम्हें क्या? मेरा भाई है, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। मेरे दिमाग में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है जो मैं अचानक तुम्हारी बीवी बनने की कोशिश करूंगी। तो बोल क्यों रही हो? क्योंकि मैं खड़े खड़े गलत होते हुए नहीं देख सकती। मेरे साथ सही हो, गलत हो, बहुत गलत हो, तुम्हें क्या? तुम्हें दूसरों की मिस्टेक्स के लिए खुद को सजा देनी है? दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम भी मुझे अपनी बात कहने से रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम भी मेरे पति नहीं हो। पैकेट तुम्हारा, बदतमीजी तुम्हारी, लेकिन गलती उसकी, ये कैसा मैच है रोहित? अपने भाई से सॉरी तुम बोल नहीं पाते, थैंक यू तुमसे बोला नहीं जाता, तो मुंह में जबान क्रिप करने के लिए लगवा रखी है। तुम जानते हो भाइयों के मामले में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी बहुत खराब, क्योंकि तुम्हें उस जैसा भाई मिला और उसे तुम जैसा। मेरी किस्मत कैसी है उसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम इस रिश्ते के बारे में जानती क्या हो? तुम दोनों भाई सेम लाइन रिहर्स करके आए हो क्या? इसने भी यही कहा, तुम भी यही कह रहे हो। रिश्ता ना हो गया, रॉकेट साइंस हो गई, कोई कुछ जानता ही नहीं है। दोनों पहिए चलते हैं तभी रिलेशनशिप की साइकिल आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो एक पहिए में हवा ही नहीं है। अरमान, जब तक रोहित अपनी गलती नहीं मान लेता, मेरे बेटों के बीच में तुमने बोलने की हिम्मत कैसे की? वेरी गुड, फैमिली के लिए सबको इग्नोर कर दो। देखो रोहित, अभी मुझसे बात मत करो, वरना अबीरा की तरह मुझे भी चुप करा दोगे? सीरियसली, तुम्हारी फैमिली ने तुम पे एहसान किया है और तुम अब उस एहसान के बोझ के तले दब रहे हो, घुट घुट के जी रहे हो। मेरा परिवार बोझ नहीं है, ब्लेसिंग्स है। तो तुमने उन्हें हमारा सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम इस घर में नहीं, डर में रहते हो। रोहित के प्यार के आगे हमारा प्यार क्यों हार गया? मैं जानता था कि हमारा प्यार मेरे भाई की खुशी से किसी भी सूरत में नहीं जीत सकता।